वास्तव में कमांडर ने यहाँ पर आने से पहले बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। उसने यहाँ पर ऐसा सोचा था कि एक बार अगर ये मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया ना, तो उसके बाद में यहाँ पर उसके नारे वारे हो जाएंगे। जब वह यहाँ पर वापस से अलौकिक राक्षसी जनजाति के अंदर चला जाएगा, तो उसके बाद में यहाँ पर जो राक्षसनिया थी वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी और उससे कहेगी, ए तुम मेरे यहाँ पर हस्बैंड बन जाओ ना। तो उसके साथ वो यहाँ पर 10-10 रानी को लेकर घूम सकता था। वास्तव में इसके लिए उसने अपनी सेना को तैयार कर दिया था, जिसके साथ में वो यहाँ पर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर अपना एक ही अलग परिणाम बना देना चाह रहा था। लेकिन वास्तव में उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि एक कढ़ाई के पिछवाड़े के नीचे अभी उसकी ऐसी मरम्मत हो रही होगी। वास्तव में अभी उसको एक भाले द्वारा कसकर मारा गया था। इसके अलावा यहाँ पर अभी ग्रेट संत स्टेज 1 के लड़ाकू द्वारा उसकी हालत खराब कर दी गई थी, जो एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। और उसके अलावा उसकी कोई हिम्मत तक नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल लड़ाकू की हालत इस तरह से हो गई थी कि यहाँ पर अभी वह धूल चाटते फिर रहा था। आखिरकार यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम क्या है? आखिरकार मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? इस कृपान ने आखिरकार मेरे साथ में ऐसा क्यों किया है? अरे मैंने कौन सी तेरी लुगाई भगा ली थी जो मेरे साथ में ऐसी हरकतें करने बैठा है? वास्तव में मुझे पहले पता होता ना कि यहाँ पर केवल ये खून के साथ में इस तरह से किसी के भी काबू में आ सकता है, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ अब विपिन को भी समझ में आ गया था कि माजरा क्या था। वास्तव में यहाँ पर अभी जो कृपान था ना, यह यहाँ पर किसी भी शुद्ध रक्त रेखा वाले के साथ में जाने के लिए तैयार था, चाहे से वह भिखारी हो या फिर बहुत ज्यादा ही अमीर हो। यहाँ पर तो बस उसको शुद्ध रक्त रेखा ही चाहिए थी। जैसे ये विपिन ने यहाँ पर अभी अभी अपने शुद्धतम रक्त रेखा को यहाँ पर एक्टिवेट किया था और भी किलिंग ओरा को, तो उसके बाद में यहाँ पर अभी उस कृपान की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यहाँ पर वह विपिन को टच कर दे या फिर उसको ये कह दे, ना भाई ना, मैं तेरा यहाँ पर कोई भी गुलाम नहीं बनने वाला। उसके साथ में अब विपिन जल्दी से यहाँ पर खून की एक बूंद उसके ऊपर टपका देता है। जैसे ऐसा करता है कि अगले पल वैंग और उसके अंदर से लाल रोशनी निकलना शुरू हो जाती है और विपिन के दिमाग के अंदर एक झटका लगता है। कृपान जिसको आप यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर अगले ही पल उस कृपान की सारी सारी जानकारी उसके दिमाग के अंदर आ चुकी थी। क्या अपग्रेड कर सकते हैं? इसका मतलब क्या है आखिरकार? यहाँ पर विपिन एक जगह पर चौंक चुका था जब उसने देखा कि यहाँ पर उसके अंदर एक शब्द लिखा गया था, अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब यह था कि यहाँ पर वह बिना किसी चीज के उसको अपग्रेड कर सकता था। क्या वास्तव में इसको ऐसा किया जा सकता है? लेकिन मानव जाति की जो कलाकृतियां होती है उनको अपग्रेड करने के लिए उनके अंदर बहुत सी चीजें मिलाई जानी होती है। जैसे गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को ले लो, अगर उसको अपग्रेड करना होता था तो उसके लिए उसको यहाँ पर अलग अलग चीजों के साथ में दोबारा बनाया जाता था, जिसके बाद में वो अपग्रेड हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर इसके साथ में कुछ और ही था। आखिरकार इसके अंदर ऐसा कैसे हो सकता था? तो विपिन जल्दी से उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ पर अपग्रेड भी हो सकते हो? तो उसके साथ में यहाँ पर अब कृपान कहता है, हाँ हाँ वास्तव में मास्टर, मैं यहाँ पर अपग्रेड हो सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर किसी का खून चाहिए। क्या खून चाहिए? लेकिन किसका खून चाहिए तुम्हें? यहाँ पर विपिन उससे पूछता है। तो उसके साथ में यहाँ पर अब वो कहता है, मास्टर बात कुछ ऐसी कि मुझे अगर अपग्रेड होना है तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर प्राचीन संत का खून चाहिए होगा। अगर मैं एक बार प्राचीन संत का खून ले लेती हूँ ना, तो उसके बाद में आराम से यहाँ पर जो मेरा लेवल है ना वो अपग्रेड हो जाएगा। हे बेवकूफ प्राचीन संत, अबे किसकी बात कर रहा है तू? आखिरकार तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तू इतने ज्यादा बड़े बड़े सपने देखने लगा? विपिन को अभी एकदम झटका लगता है जब वह यहाँ पर उसके मुंह के अंदर से केवल ग्रेट संत प्राचीन संत का नाम सुन लेता है। वास्तव में यहाँ पर ग्रेट संत या हाफ प्राचीन संत का नाम भी बोलता ना तो भी ठीक ठाक था, लेकिन ये तो सीधे यहाँ पर ग्रेट संत के ऊपर जंप लगाने लगा। अबे क्या तेरे को ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें सोचने के बारे में आता रहता है? आखिरकार तू इतने बड़े बड़े सपने क्यों ही देखता है जब तेरे को पता है कि तेरे से कम्प्लीट नहीं होने वाले? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह कृपान उससे कहता है, मास्टर अगर आप मेरे को प्राचीन संत नहीं खिला सकते तो इसके साथ में आप एक काम कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर ग्रेट संत या हाफ प्राचीन संत इन दोनों के अंदर से किसी की भी एनर्जी खिला दीजिए, मैं उसकी आत्मा को खा के भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। लेकिन बस मास्टर उसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि उन सभी चीजों के अंदर बहुत ज्यादा ही समय लगने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन चौंक जाता है, क्या तुम यहाँ पर ग्रेट संत और हाफ प्राचीन संत को खाकर भी यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ा सकते हो? तो वो भी कहता है, हाँ हाँ मास्टर वास्तव में। चलो ठीक है, फिर वहाँ पर वो कैसा रहेगा? उसके साथ में यहाँ पर अब जो विपिन था ना, अब जल्दी से उसी कमांडर की तरफ अंगुली करने लगता है। ज्यादा अंगुली मत करे वरना वो तेरे अंगुली को काट खाएगा। ऐसा करो तुम जाओ और उसका खून और उसकी आत्मा को ले लो। उसके साथ में अब यहाँ पर विपिन उसकी तरफ इशारा करता है, लेकिन जैसे इशारा करता है
कि उसकी तरफ। यहाँ क्या मास्टर, आप सच कह रहे हैं? क्या मैं उसको यहाँ पर पूरी तरह से मार सकता हूँ? तो शेजादा विपिन कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो। वैसे भी यहाँ पर विपिन को उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी पड़ रही थी। आखिरकार वो राक्षस थे जो यहाँ पर इंसानों की जान लिया करते थे, और इसके अलावा अभी कुछ समय पहले यहाँ पर वह विपुल यानी उसके पिता को मारने की बात कर रहे थे, तो विपिन उसको कैसे यहाँ पर छोड़ सकता था? आखिरकार उसको यहाँ पर कमांडर्स को खत्म करने के लिए तो भेजा गया था। चक, अगले पल यहाँ पर जो कृपान था वह जल्दी जाता है और उस कमांडर की बॉडी के अंदर घुस जाता है। उसके साथ में यहाँ पर जैसे ही वो उसके अंदर की एनर्जी और उसके अंदर का जो खून है उसको पीता है, तो अगले पल यहाँ पर उसके अंदर चमक निकलने पड़ती है, और अगले पल यहाँ पर वो अब हाफ प्राचीन संत के सबसे ज्यादा टॉप के ऊपर पहुंच चुका था। वास्तव में यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा हथियार नहीं था जो उसके इस लेवल के ऊपर उसका कोई तरह से सामना कर सकता हो। चलो इस कमांडर का काम तो यहाँ पर खत्म हो गया। विपिन जैसे उसको मारता है तो उसके बाद में यही सोचने लगता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अब विपिन को अचानक से पता चलता है कि यहाँ पर अगर ये हाफ प्राचीन संत था तो उसके साथ में यहाँ पर ग्रेड संत वो सारे होने चाहिए, क्योंकि ये तो एक कमांडर था, तो इसके नीचे की लेवल के भी जो लड़ाकू हैं वो भी यहाँ पर आसपास होने ही चाहिए। मुझे उन सभी को भी यहाँ पर देखना होगा, विपिन इतना सोचता है और उसके साथ में यहाँ पर दिमाग लगाने लगता है। मुझे लगता है कि अभी अभी मैं इसके इस रूप का यूज कर सकता हूँ। वैसे भी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में यहाँ पर बाहर किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। अगर मैं इस कमांडर की बॉडी का यूज करने बैठ जाता हूँ तो उसके बाद में आराम से मैं यहाँ पर किसी की भी हालत खराब कर सकता हूँ। वैसे भी यहाँ पर कमांडर खुद की जाल के अंदर खुद ही फंस चुका था। वो तो यहाँ पर अभी उस कृपाण को अपने काबू के अंदर करने के लिए इस बैरियर को यहाँ पर लगाकर रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये बैरियर तो विपिन के काम में आ चुका था। इतना सोचने के साथ में जल्दी जो विपिन था वो अपने रूप को वहाँ पर चेंज कर लेता है, और उसके बाद में जल्दी वो यहाँ पर उस कमांडर के हेलमेट को उठा लेता है और उसको अपने ऊपर पहन लेता है। चलो ठीक है, मुझे जाना चाहिए। उसके अगले पल अब यहाँ से वह बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद में वह घूमते फिरते यहाँ पर एक तंबू के सामने पहुंच चुका था, क्योंकि बीच में कोई भी नहीं था जो उसको कमांडर के बेस के अंदर देखने के बाद में बीच में रोक सके, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी उसको रोकता तो उसके बाद में आराम से विपिन उसको वहीं पर ही जान से मार देता। जल्दी वो उस तंबू के अंदर चला जाता है तो वहां जाकर देखता है कि यहाँ पर कुछ ग्रेट संत लेवल के राक्षस बैठे हुए थे। वह 7 जने थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह सभी सभी वाइस कमांडर्स थे। कमांडर आप आ गए। लेकिन जैसे यहाँ पर उन सभी ने विपिन यानी कमांडर को अंदर आते हुए देखा तो वह सभी सभी वहाँ पर चौंक जाते हैं, लेकिन उसके साथ में वहीं पर ही खड़े हो जाते हैं। क्या आप सफल हो गए? क्या आपने यहाँ पर उस कृपान को अपने बस के अंदर कर लिया है? तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन भी चौंक जाता है, लेकिन अब उसको समझ में आ जाता है कि वास्तव में ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वास्तव में इन सभी का भी यहाँ पर एक ही धारणा है कि उनको यहाँ पर जल्द से जल्द विपुल को मारना है। वो तो बढ़िया है कि विपिन ने यहाँ पर सीधे कमांडर को मारने के बाद में कुछ नहीं किया था, क्योंकि अगर यहाँ पर वो कुछ भी करने बैठ गया ना तो उसके बाद में ये सभी सभी 7 ग्रेट संत के लड़ाकू मिलकर उसकी यहीं पर खटिया खड़ी कर देंगे। उसके बाद विपिन तो यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर अपनी दुम को उठाकर भागने लगेगा। उसके साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, अभी तक तो काम नहीं हुआ है लेकिन मुझे कुछ काम है, इसी वजह ठीक है तुम मेरे साथ में आओ, मुझे तुम्हें यहाँ पर कुछ काम बताना है। उसके साथ में यहाँ पर अब एक जो वाइस कमांडर था वो वहाँ पर खड़ा होता है। क्या कमांडर, मैं ठीक है, मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जो वाइस कमांडर था ना उसको कमांडर के ऊपर बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। आखिरकार कौन ही था जो यहाँ पर राक्षसों के बीच में आने के बाद में उनको इस तरह से हुक्म दे सकता था। चलो ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें यहाँ पर मिशन देने के लिए कहीं पे लेकर जा रहा हूँ। उसके साथ में विपिन और वह वाइस कमांडर दोनों ही दोनों आगे तरफ बढ़ने लगते हैं। वह यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल वाइस कमांडर था जो अभी ग्रेड संत स्टेज 4 के ऊपर पहुंचा हुआ था। जल्दी अभी ये जो विपिन और वह वाइस कमांडर था वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वह बैरियर लगाया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो कहता है, ठीक है कमांडर, आप बताइए कि आखिरकार आपको यहाँ पर मेरे से क्या काम है। तो विपिन कहता है, ओ मुझे कुछ नहीं, इधर आइए मेरे पास में, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके अगले पल यहाँ पर जो विपिन था वो अपने पास में से खंजर को बाहर निकालता है और अगले पल यहाँ पर उस अलौकिक राक्षस के गले के ऊपर चला देता है। कच्छ, अगले पल यहाँ पर जो अलौकिक राक्षस था उसका गला आधे से ज्यादा कट चुका था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हो आप? इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर उनका खुद का कमांडर उनको मारने के पीछे पड़ जाएगा, लेकिन उसके चलते हुए यहाँ पर वो पीछे की तरफ पलट जाता है। लेकिन जिससे पहले यहाँ पर वो पीछे हट पाता उससे पहले ही बैंग,
एक जोरदार हमला उसके ऊपर हो जाता है, क्योंकि अगले पल गोल्डन ओजन कढ़ाई का प्यारा सा पिछवाड़ा उसके चेहरे के ऊपर आकर गिर जाता है और वह जमीन के अंदर गड़ जाता है। बेचारा आखिरकार ये क्या ही कर सकता था, अगर एक हाफ प्राचीन संत उसके सामने कुछ नहीं कर पाया तो यहाँ पर ये ग्रेट संत क्या ही कर सकता था। उसके बाद में विपिन जल्दी से फिर से अंदर की तरफ जाता है और उनसे कहता है, ठीक है तुम अब एक मेरे पीछे आओ। उसके साथ में अब एक कूर कमांडर उठता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर 5 मिनट बाद में वापस लौट आता है और उसके बाद में कहता है, तुम तीनों मेरे पीछे आओ। उसके साथ में वो तीनों को भी वहां से ले जाता है और उनको भी चित कर वापस से वह आखिरकार लौट ही आता है। ये क्या है, आखिरकार कमांडर एक एक कर सभी को क्यों लेकर जा रहे हैं? क्या उनको वहां पर किसी तरह से मिठाई विठाई दी जा रही है? अरे मिठाई मेरे को भी खानी है। अरे अरे मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार अब वहां पर क्यों लेके गए हैं। इस समय विपिन ने पहले यहां पर 5 वाइस कमांडर्स को चित कर दिया था। इस वक्त अभी केवल वहां पर 2 ही बाकी बचे हुए थे। उसके साथ में जो कमांडर था वो वापस लौट आता है और वहां पर आने के बाद में एक बैरियर क्रिएट कर देता है। वहीं उसको आते हुए देखकर दोनों सतर्क तो होते हैं, लेकिन वो कहते हैं, कमांडर आखिरकार सभी सभी कहां पर चले गए? तो उसके साथ में यहां पर जो कमांडर था वो कहता है, ओ वो सभी उन सभी को यहां पर मैंने मिशन के अंदर भेज दिया है और अभी वो अपने मिशन से भी नहीं लौट कर आ पाएंगे, शायद ही आ पाए। उसके साथ में यहां पर अब दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन उसके साथ में विपिन उनको कोई भी मौका नहीं देता है और अगले पल चक वही खंजर और उसके साथ में दोनों की जो मुंडियां थी ना वो यहाँ पर नीचे गिरी हुई थी। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर उनके साथ में क्या हुआ था, क्योंकि एक ही हिट के साथ में उन दोनों को इस तरह से काट दिया गया जैसे कि अभी पनीर को काटा जा रहा होगा। उसके साथ में अब विपिन बाहर चला जाता है और ऐसा कहता है, हे तुम इधर आओ, अब यहाँ पर सभी सभी ग्रेट सेंट कमांडर्स को बुलाकर लेकर आओ। क्या ग्रेट सेंट कमांडर्स? लेकिन कमांडर आपको पता है ना कि आपके सामने जो अभी 7 कमांडर्स थे ना वही हमारे इस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल कमांडर्स भी एक थे, लेकिन आपने तो उन्हें एक एक कर किसी मिशन के ऊपर भेज दिया है, तो आखिरकार अब यहाँ पर किसको बुलाऊं? और यहाँ पर जो 2 कमांडर हैं वो अंदर ही बैठे हुए हैं जिनके साथ में आप अभी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर वो गार्ड उससे कहता है, क्योंकि वो इतनी देर से यहाँ पर ही खड़ा हुआ था और वो देख रहा था कैसे कि यहाँ पर अभी कमांडर उनके एक एक वाइस कमांडर्स को लेकर जा रहा था और उनको किसी मिशन के ऊपर भेज रहा था। ओ अच्छा ऐसा है, वही विपिन ने भी अपना सिर हिलाया। उसके साथ में वो देख पा रहा था कि जो गार्ड अभी उसके सामने खड़ा हुआ था वह अभी संत से सेवन के ऊपर था, इसी वजह से वो बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर विपिन के पीछे के मुकेटों को देख सकता है। चलो ठीक है ये अच्छा हुआ, एक काम करो अब तुम सभी सभी सैनिकों को यहाँ पर एक साथ इकट्ठा कर लो, मुझे यहाँ पर उन सभी से कुछ बातें करनी है और उनको कुछ नई रणनीति भी बतानी है। बात कुछ ऐसी है कि हम सभी ने मिलकर यहाँ पर अभी एक कोई रणनीति निकाली है। क्या सभी सैनिकों को? वहाँ पर वो पूरी तरह से हैरान हो गया था, आखिरकार वो उन सभी को यहाँ पर क्यों बुलाना चाहता था। तो विपिन कहता है, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? तो उसके साथ में यहाँ पर वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है।